इस ठंडे मौसम के असरात तो नज़र आते हैं, क्योंकि लोगों में नज़ला, खांसी और दीगर बीमारियां सर उठा लेती हैं। बच्चों की नोज़ी बह रही होती है, खाना छोड़ देते हैं। अगर बड़ों की बात की जाए तो वो भी फ्लू की वजह से, खांसी की वजह से रात में सही से सो नहीं पाते हैं, नाक बंद हो जाती है। तो ऐसे में हमें करना क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हमें दवाएं ना खानी पड़े, और हम लोग ना सिर्फ कहवों से या फिर हर्बल जो चीज़ें होती हैं या होममेड रेमेडीज़ होती हैं उनसे खुद को ठीक कर लें। तो इस वक्त हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं, हुमैरा नाज साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हुमैरा, ये जो मैंने सारे प्रॉब्लम्स अभी बताए हैं, ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, चेस्ट कंजेशन, बुखार, ये आम हो जाता है और बच्चे तो बहुत सफर करते हैं। मैंने अभी शुरू में मैंने ऑफ एयर भी बताया कि मैं विक्टिम रह चुकी हूँ इस वक्त। अच्छा। तो इससे ज़्यादा बेहतर बता सकूँगी कि ये इस वक्त वायरल बहुत बुरा फैला हुआ है। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें बीमारियों से पहले इलाज भेजा हुआ होता है, लेकिन हम उसे इनटेक ही नहीं करते। एक बहुत अच्छा सा फ्रूट आता है जिसे मिठा कहते हैं, जो हमारा मौसम शुरू होने से पहले विटामिन सी सबसे बेहतरीन उसके अंदर होता है, और वो हमारी ये वाली बीमारियों से लड़ने के लिए होता है। अच्छा, तो वो हम खाते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, शायद मेरे बोलने के बाद वो महंगा हो जाए। तो लेकिन वो उसमें ये होता है कि जब आप सीजन मौसम भी तकरीबन खत्म, अब तो खत्म हो गया है, अब तो किनू और ये वाली चीजें आ गई ना, लेकिन अगर हम वो खाते हैं ना तो उससे आपका बुखार नहीं होता। आप इम्यूनिटी बूस्टर है वो सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, क्योंकि जब आपका इम्यून अच्छा होगा ना तो आप बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं। सही। तो आपका इम्यून अच्छा होता है, आपके नज़ला, खांसी, बुखार, ये सब चीज़ों से वो बचाता है। सही। फिर अगर हो जाता है तो अब क्या किया जाए? जिसको जो मैंने मैंने बताया कि मैंने अपने पर, मेरे साथ हो गया था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स और वो दवाइयाँ वो सब आपकी इम्यूनिटी नीचे ले आते हैं। तो कोशिश ये करें कि हमें इस सीज़न में गुड़ का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन रखना चाहिए। अच्छा। ये जो गुड़ पापड़ी, गुड़ पत, ये बने बनाए मिलते हैं, घर में भी बना सकते हैं हम इसको, और इसके अंदर आपके पास नट्स भी मौजूद होते हैं। नट्स इसीलिए कहा जाता है कि जब हम इस सीज़न में नट्स को खाते हैं कि हमारी ड्राइनेस को ख़त्म करता है बॉडी की। हम क्योंकि पानी का इंटेक बहुत कम कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन भी ड्राई हो रही होती है, इंटरनल बॉडी भी ड्राई हो रही होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें थोड़े बहुत नट्स ले लेने चाहिए। जैसे अभी सबसे सस्ता तो नहीं कहूंगी, मूंगफली भी आजकल बड़ी महंगी हो गई है, 200 रुपया किलो तो है ही नहीं, 280। मैंने खरीदी आप, नहीं है, मैंने आप तो 20 साल पहले वाली बातें कर रही हैं। नहीं, असल में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वही लेके आते हैं, तो मैंने खरीदी नहीं, रेट्स का पता नहीं है। लेकिन ये है कि कहते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, वो जरूरत से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर। हमें देखिए, जो भी चीज़ खानी है ना वो एतदाल में रह के खानी है, इसीलिए कहते हैं कि जितना भी नट्स है वो मुट्ठी में जितना आ जाए ना, आपकी जो बंच है, जो मूंगफली है या बाकी नट्स है ना, एतदाल मुट्ठी में तो बैलेंस तो हर चीज में रखा रहे तो आप 2 घंटे खाएं तो फिर ही जाके इतना नहीं है। देखिए, जब आप ज्यादती की तरफ आते हैं तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। अगर आपने मूंगफली ज्यादा ले ली तो हम ये कहते हैं ना, मूंगफली खाने के बाद पानी ना पियो, पानी के बाद वो खांसी हो जाएगी, फिर वो वाली चीजें फिर शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी मेरे ख्याल से कोई ड्रिंक लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, पानी या ड्रिंक अगर आप कोई चीज़ खाने के बाद लेते हैं तो जो उसकी अपनी खसूसियात है, जब अंदर जाके वो जो अपना बाइंडिंग का काम कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डाइजेशन पे चला जाएगा। फ़ौरन पानी पिया आपने तो वो तो उसकी खसूसियात ख़त्म हो गई। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के फ़ौरन बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट का वक्फा लीजिए फिर आप पानी पीजिए। हम तो वो कौम है जो हलवा पूरी के साथ लस्सी पी लेते हैं। हम पता नहीं कौन सी काम है, हम कह नहीं सकते कि हम पता नहीं कौन सी काम है, आता कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, कुछ लोग इतना डरते हैं कि मछली के साथ दही नहीं खाते। हाँ, वो डर है, खा लेते हैं शादियों में उसके बाद। हाँ, नहीं नहीं, वो देखिए मछलियों से भी मैं एक बात बताऊं कि ये जो हम शादी भी, हमें अभी आपने मछली की बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि मेरे अपनी एक कज़न है उसके साथ वो विक्टिम रह चुकी है। वो पता नहीं कौन सी मछली थी कि उसके खाने के बाद उसको फुल बॉडी में एलर्जी हुई है, और वो अभी तक एलर्जी डायग्नोज नहीं हो पा रही है कि किस तरह उसको ट्रीट किया जाए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें जो है ना सोच समझ के, हमें जब हम कैटरर के पास भी जाते हैं ना कि शादी ब्याह के लिए, तो उससे पूछें कि वो कौन सी मछली बना रहा है, क्योंकि ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम को बढ़ा रही है, और वो तकरीबन 6 मंथ्स हो चुके हैं, अब तक उसकी एलर्जी नहीं गई है। सही। तो क्योंकि डॉक्टर्स को डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था,
کہ کیا پرابلم کیا ہے. ویسے شادی بیاہ کے کھانوں میں تھوڑا سا احتیاط زیادہ ضروری ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ ہوتا ہے نا کہ آج مل گیا اس کے بعد ملے گا ہی نہیں شادی میں گئے. اچھا لیکن یہ چیزیں ہیں, اگر ہم نزلہ کھانسی زکام کے احتیاط کس طرح کرنی چاہیے, کیا ریمیڈیز کیا ہیں؟ دیکھیں ریمیڈیز سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے جو کہ مجھے ہوئی اور میں نے ہنی کے اندر رات کو سوتے ٹائم پہ, بالکل جب آپ سونے کے ٹائم پہ, اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں لینا, آپ نے ہنی میں تھوڑا سا کچی ہلدی ڈالنی ہے. کیونکہ میں کچی ہلدی کا استعمال بالکل کر رہی ہوں, فریش ہلدی آپ کو, فریش ہلدی آپ کو سبزی والے سے ملے گی, سبزی والے سے ملتی ہے. وہ آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کر کے یا تو رکھ لیجیے, یا اس کو ڈرائی کر کے چاپر کر میں چاپ کر کے ڈرائی کر کے رکھ لیجیے. تھوڑی سی پنچ آپ نے کچی ہلدی لینی ہے, اس کے اندر آپ نے کالی مرچ ڈالنی ہے اور تھوڑا سا نمک, یہ چٹکی چٹکی آپ نے سب ڈالنا ہے, اور ایک چمچ ہنی کے اندر مکس کر کے یہ لے کے انٹیک کر کے سو جائیں. یہ آپ کی کھانسی کو صحیح کرے گا. ایک تو یہ میں ریمیڈی بتا رہی ہوں, دوسرا یہ کہ دودھ کے اندر اس سردی میں آپ نے یہی کچی ہلدی اور ہنی یہ پکا کے یہ دودھ پینا ہے. اچھا مجھے تو پتہ نہیں کیوں یہ فارمولا ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے ایک مسالے والی چیز دودھ میں ڈلے گی, میں کبھی نہیں پی کے دیکھیے گا. اگر آج آپ جائیں تو آپ پی کے دیکھیے گا, یہ ہڈیوں کے لیے بہترین ہے, یہ وائٹامن ڈی کے لیے بہترین ہے. اگر کچی ہلدی آپ استعمال کریں گی دودھ میں, بڑا اچھا سا ٹیسٹ ہو جائے گا ہنی ملا کے. مجھے ایک بات بتائیے, جو کچی ہلدی ہوتی ہے اس کو ہم گھر میں گرائنڈ کریں تو ویسے ہی پاؤڈر بن جاتا ہے یا پھر وہ میں نے بنایا ہوا ہے؟ آپ اس کو چاپر میں جیسے چھلکا اتار کے, آپ اس کو ادرک کی طرح یہ ہوتی ہے, چھلکا اتار کے آپ اس کو چاپ کر لیں. چاپ کرنے کے بعد آپ کسی بھی ڈرائی جگہ پہ دھوپ میں یا کسی بھی ڈرائی جگہ پہ اس کو خشک ہونے دیں, دو دن ایک دن جتنے بھی دن میں وہ ڈرائی ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کر لیجیے, پاؤڈر بنا کے چھان کے رکھ لیجیے. آپ کے پاس ہلدی موجود ہے. کافی لمبا کام ہے لیکن کرنا پڑے گا اگر ہمیں آرگینک چیز. دیکھیں آرگینک کرنا ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ جتنے میں ٹوٹکے بھی بتاتی ہوں یا جو بھی ہم ریمیڈیز بتا رہے ہوتے ہیں, اس میں تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے فائدے مند ہے, یہ چیز نقصان نہیں دے رہی ہے آپ کو. تو اپنے لیے میں کہتی ہوں نا کہ اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے ہم کو. اچھا ہم تو دیکھیں نا, آپ اس وقت میرا یہاں تک کرتے ہیں کہ ہم دیسی لہسن استعمال نہیں کرتے کہ اس کو چھیلنے میں مشکل ہوتی ہے. بالکل ہم چائنا کا لہسن استعمال کرتے ہیں جو موٹا ہوتا ہے, مرچیں لگتی ہیں تھوڑی سی, تو گلوز پہن کے آپ لہسن کو چھیل. دیکھیے محنت والے کام کوئی نہیں کرتا آج کل, یہ ہم بھی جو یہاں بتاتے ہیں نا بیٹھ کے تو سب صرف سن رہے ہوتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ بڑا کم ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ ایزی ریمیڈیز بتائی جائیں کہ لوگوں کو لینے میں ایزی رہے, کہ بھائی ہمیں کچھ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے. بچوں کے لیے بھی یہی چیز ہے, بچے تھوڑا سا کترا رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں سے, اس قسم کے ٹیسٹ کے, ان کو کھلانا پلانا خاصا مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی جو تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے؟ دیکھیں ہنی ہی سب سے بیسٹ چیز ہے جو ہم لے سکتے ہیں. اچھا بچوں کے لیے جیسے ابھی میں نے کہا ٹافی وغیرہ دینے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جب ہم یہ جو گڑ پاپڑی بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں, اس میں نٹس ڈال کے بہت اچھے سے, تو ٹافی کی شکل ہی اختیار ہو جاتی ہے نا یہ, تو ہم بچوں کو یہ دے سکتے ہیں گڑ کی شکل میں. گڑ آپ کا اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے, جتنے بھی آپ کے یہ غدود جو ہم گلے میں کہتے ہیں آ کے ہمارے ڈسٹ کی طرح بیٹھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ختم کرتا چلا جاتا ہے آپ کے گلے کو. گڑ کی فارم ہے. اچھا ابھی میں جیسے کہ لہسن کی بات کری تھی, وہ میں نے اس لیے بھی کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیزن میں انہیں سب بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگ یخنی کا استعمال بہت کرتے ہیں, تو یخنی میں لہسن ڈلتا ہے. اب پتہ نہیں اس کی افادیت اتنی رہتی ہے یا نہیں رہتی. آپ کو میں لہسن کا بتاؤں کہ اس سیزن میں گرین لہسن آتا ہے جو کہ ہم انٹیک کرتے ہی نہیں ہیں, جیسے گرین اونین ہوتا ہے اسی طرح گرین لہسن بھی ہوتا ہے. اس کو آپ باریک باریک چاپ کیجئے جیسے گرین اونین کو کرتے ہیں, اسی طرح لہسن کو باریک چاپ کریں. اور انڈے خیر ابھی بہت مہنگے ہو گئے, میں انڈوں کا ذکر کر رہی ہوں, لیکن آپ تھوڑا سا اس میں دیسی گھی ڈالیے, آملیٹ بنائیے اور بچوں کو دیجیے, خود بھی کھائیے. یہ جتنا ساری آئٹم ہیں, دیسی لہسن, دیسی گھی, شہد, دیکھیں سستا بتائیں نا. نہیں لہسن اتنا مہنگا نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. گارلک مہنگے, آپ چلیں آپ مکھن لے لیجیے. دیکھیں اس سے تو بہتر ہے کہ جب ہم دوائیاں لینے جاتے ہیں, اتنی اینٹی بایوٹک جب اپنا ٹریٹمنٹ لینے جا رہے ہوتے ہیں, جب اس سے سستا ہے, اس سے سستا ہے, ڈاکٹر کی فیس 3000 روپے, جی بالکل اس سے سستا ہے. ایک کلو گھی آ جائے گا اس میں دیسی گھی. تو اس کھانے سے آپ کی جتنی بھی بونز کی پرابلم ہے نا یہ ریزالو ہو جائے گی. دیسی گھی کے لیے تو بہتر یہ کہ خدا کا واسطہ یہ ان سے جان چھڑائیں, خالص جو دیسی گھی اصلی ہوتا ہے اگر آپ اس کو اچھے سے بوائل کر کے آپ فریج میں رکھتے ہیں, اتنی اچھی بلائی آتی ہے, اس کو جلائیں گے اتنا بہترین دیسی گھی نکلتا ہے. میں تو وہ یوز کرتی ہوں. بالکل یہی کرنا چاہیے. دیکھیں دیسی وہی بات ہے نا, تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہماری ہیلتھ بھی اچھی رہے گی, ہمارے بچوں کی بھی ہیلتھ اچھی رہے گی, اور ہم اپنی آنے والی جنریشن کو بھی سکھائیں گے کہ یہ اس طرح آپ اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھ سکتے ہیں. وہ سیکھیں گے, بچے سیکھتے ہیں ان چیزوں سے. اصل میں یہ ایک چیز پورے کیمپین آج سے 20-25 سال پہلے رہی
कि घी अवॉइड करना चाहिए, ऑयल की तरफ आए हैं। ये पूरी एक कैंपेन चलती रही 20-25 साल पहले, तो लोग देसी घी से भी दूर हो गए और ऑयल ऑयल ऑयल, और अब जाके 20-25 साल के बाद मालूम हुआ कि ऑयल जो है वो नुकसानदेह है, कि मस्टर्ड ऑयल ही सिर्फ है कि वो जो बेहतर है, कि ऑलिव ऑयल तो वो है जो वर्जन ऑयल है। लेकिन कभी कभी ना अपनी सेंस भी थोड़ी सी यूज करनी चाहिए। हम रिसर्च की तरफ जरूर जाएं। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने एक शो किया था जब मैं किसी दूसरे चैनल पे होती थी, लेकिन वो मैंने किसी रिसर्च से नहीं, मैंने चिकन के ऊपर प्रोग्राम किया था कि चिकन खाना छोड़ दें। आज हर बंदा रिसर्च से साबित कर चुका है कि चिकन के नुकसानात क्या क्या हैं। तो हमें हर चीज़ को बैलेंस, क्योंकि चिकन इसलिए नुकसानदेह कि हम खाते ही इतने, पहले ओकेजनली खाते थे, अब हमारे पास दिन में 2-3 बार हम चिकन का यूज कर रहे हैं, तो चिकन उसका कंजप्शन भी तो बढ़ेगा। कंजप्शन कैसे बढ़ेगा? आर्टिफिशियल फीड से। जब हम छोटे थे तब ब्रायलर मुर्गी अभी नहीं उस तरह से आई थी, तो मैं सोच रही थी कंजप्शन बढ़ गया। ब्रायलर मुर्गी तो काफी देर की आई है, तो इसका मतलब है कि आपको 50 साल पहले नहीं, अब कंजप्शन ज्यादा हो गया। देखिए हम तो नहीं खाते थे इतनी ब्रायलर मुर्गी, हम लोग तो कोशिश करते थे कि फिश या मटन से ही भले थोड़ा खा लो, उसी से गुजारा हो, अब भी यही होना चाहिए। अब ये होना चाहिए, लेकिन आबादी बढ़ गई है, उसके लिए फीड दूसरी दी जा रही है, वो फीड जो दी जा रही है वो नुकसानदेह है, जो चिकन के थ्रू हमारे बॉडी में जा रही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें और हर चीज़ खाएं। हमने ये चीज़ें जो छोड़ दिए ना, कि अब जैसे इस सीज़न में हमारे पास जितने फ्रूट्स आए हुए हैं विटामिन सी से रिलेटेड, वो हमने इनटेक करने ही करने, क्योंकि अगर हम देखेंगे, और पहली बात सर्दियों की अभी जिक्र हो रहा था, हम गर्म पानी से चेहरे को ना धोएं, हम बहुत ज़्यादा खोलते हुए पानी सर पे ना लगाएं, इससे डैंड्रफ होती है, ड्राइनेस होती है, फिर हम बहुत तरह तरह के लोशंस लगा रहे होते हैं, क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे बेहतरीन लोशन इस वक्त एलोवेरा जेल है आपके पास घर में, बेहतरीन सस्ता तरीन पौधा जो आप घर में लगा लें, उसमें आप देखिए कि एलोवेरा के फवाइद कितने हैं। कैसे करना बताएं? सिर्फ जेल निकालें, उसके अंदर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें थोड़ा सा, वो आप मिक्स करके, सिर्फ ये जेल आप मिक्स करके बना के लगा लें, और चाहें तो इसके अंदर अलसी का जेल भी बना के मिक्स कर सकते हैं, यानी अलसी को सिर्फ पानी में बॉइल कर लें, बिल्कुल नहीं होगी ये। अच्छा। जब सूख जाता है तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा सॉफ्ट हो गई स्किन, कुछ भी चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होगी। ये सर के खुश्की के लिए भी बेहतरीन है और आपके स्किन के लिए भी बेहतरीन है। इन सारी बातों में ये तो पता लग गया कि मुदस्सिर 50 साल पुराने, इनके बचपन में मुर्गी आती थी मुझे याद है। तो कह रहा हूं ब्रायलर बचपन में था आपके, ब्रायलर तो अभी भी है, ब्रायलर था नहीं ना बचपन में, तो मुझे कैसे पता चला होगा? मैं ये हैरान हूँ, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मेरे बचपन में नहीं था, इसका मतलब आप बहुत पुरानी हैं, ब्रायलर से भी पहले। बचपन में मैं अभी कल एक वीडियो देख रही थी 1998 की, और वो कराची जो दिखाया जा रहा था वो बहुत अच्छा था उस वक्त, लेकिन अब जाहिर है आबादी बढ़ गई है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, जिस हिसाब से आप देखिए कि गाड़ियों, मैं तो हमेशा कहती हूँ गाड़ियों के जो रबर जो है वो टायर जो होता है ना, वो जो रोड से टकराता है जब रोल हो रहा होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी हमारी बॉडी पे आके लगते हैं, वो नुकसान करते हैं, वो सांस में जाते हैं, वो सर पे जाते हैं, स्किन पे जाते हैं। थ्रू पता नहीं क्या क्या जा रहा है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी धूल मट्टी जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब मैंने तो ये नोटिस किया कि अगर आप धूप तेज हो ना, और आप गाड़ी के जो विंडो है वो रोल अप भी किए हो, तो आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे जो बाहर से अंदर आ रहे हैं, वो हम इनहेल कर रहे हैं, इतना प्लास्टिक पी रहे हैं। उसके लिए बेहतरीन है घरों में आप जो है ना, आप धूनी देना शुरू करें, धूनी घर में दिया करें आप, ताकि उससे आपके ये जर्म्स खत्म होते हैं। धूनी किसकी देनी, हरमल की धूनी दे सकते हैं आप अजवाइन जला सकते हैं कोयले के ऊपर, बहुत सारी चीजें होती हैं, कलौंजी जला सकते हैं आप, ये सब इसकी धूनी देंगे तो आप देखिए कि आपके जर्म्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे घर के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, घरों में भी जर्म्स होते हैं तो वो इस तरह खत्म होते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि जर्म्स जो हैं वो इस तरह खत्म करने होंगे। उसके अलावा ना हमें मास्क भी पहनना चाहिए, भले कोरोना हो ना हो, क्योंकि जितना डस्ट है तो अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है। बिल्कुल, अब आजकल एक चीज हम ये बहुत ज्यादा देखते हैं, जो खासतौर पर जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, वहाँ जो आप कह रहे थे कि गर्म पानी से ना करें, तो गर्म पानी भी वहाँ जरूरी है? नहीं, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने कहा बहुत खोलते हुए पानी, सिर्फ सर ना धोएं। अच्छा, लेकिन ये है कि वो खुश्की बार बार होती है, बार बार धोते हैं हाथ, तब कम से कम कोई 8-10 बार तो हाथ धुल जाते हैं, 5 बार वजू के चक्कर में भी चेहरा धुल जाता है, तो खुश्की बहुत रहती है, तो बार बार चीजें ये लगाए क्या करें? बार बार चीज़ें ना लगाएं, आप जब शावर लेते हैं तो उसके बाद एक बकेट में थोड़ा सा आप जो है कोकोनट ऑयल होता है वो 1/2 टीस्पून बल्कि 1/4 टीस्पून उस पानी में मिक्स कर लीजिए, वो पूरा बॉडी पे अगर डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल ड्राइनेस से। बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई है, बहुत ही इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच मेरा फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।